आजमगढ़ में मनबड़ों की कमी नहीं। बता दें कि आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के सोहरैया वाजी चकसा गांव के प्रधान पुत्र ने जेई पर अवैध पिस्टल तान दिया। ग्राम प्रधान संजय राम के बेटे ने बुधवार को इसलिए पिस्टल निकालकर हवा में लहराना शुरू कर दिया क्योंकि प्रधान का लाखों रुपए की विद्युत बिल बकाया थी। नियमता 10,000 के ऊपर के बकाए कनेक्शन को काटे जा रहे हैं। ऐसे में जब जेई अपने सहयोगियों के साथ सोहरैया वाजी चकसा गांव पहुंचा तो कनेक्शन काट रहे थे, तभी प्रधान पुत्र ने विरोध किया और धमकी देते हुए पिस्टल निकाल लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसके बाद पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर प्रधान पुत्र को गिरफ्तार कर त्वरित कार्रवाई में जुट गए। वहीं प्रधान पुत्र के पास से अवैध असलाह बरामद हुआ और साथ में दो लोग वहां से मौके से फरार हो गए। छानबीन दबिश जारी है और बता दें कि पुलिस आगे देखिए पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह की बाइक आजमगढ़ से सरफराज अहमद की स्पेशल रिपोर्ट। क्या पूरा मामला था सर? देखिए, थाना जैनपुर क्षेत्र में सोरहिया वाजिदपुर दाऊदपुर गांव है, इसमें जो वहां पर एक प्रधान है उसकी बिजली काटने के लिए लोग गए थे क्योंकि वो बिजली का बड़ा बकायेदार था और बताया जाता है कि उसके ऊपर 1,00,000 रुपये से ऊपर का बकाया काफी दिनों से था। जब जे के नेतृत्व में वहाँ पर लोग बिजली काटने गए तो उसके द्वारा प्रधान उसके दो लड़कों द्वारा जो है लड़के और भाई के द्वारा विरोध किया गया और एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें प्रधान का जो लड़का है वो हाथ में पिस्टल लेकर लहराता हुआ दिखाया गया, एक असला लहराता हुआ दिखाया जा रहा है उसमें। इस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और दबिश दी गई। आज मैं क्योंकि ये सेंसिटिव मामला है और इस तरह की गुंडागर्दी आजमगढ़ में पहले से होती रही है, मैं भी आज दबिश में गया था और इनके यहाँ दबिश दी गई। जो प्रधान का जो लड़का है वो पकड़ा गया है और उससे उसका पिस्टल जो पिस्टल लहरा रहा था वो बरामद कर लिया गया। बाकी दो लोग फरार हैं और जल्दी ही गिरफ्तार किए जाएंगे। देखिए, लीगल पिस्टल नहीं है, इलीगल पिस्टल है, लाइसेंसी पिस्टल नहीं है, इलीगल पिस्टल है, वो बरामद किया जाएगा। अभी शेष दो की गिरफ्तारी के लिए दबिश जब हम लोग गए थे तो तीनों घर पर